हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इंडियन एयरफोर्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए इंग्लिश का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों यह आपका ऑफिशियल मॉक टेस्ट है जो कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ही जारी किया गया है तो इसमें जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड हैं और क्वेश्चन का लेवल भी आपका बिल्कुल एग्जाम के जैसा ही रहने वाला है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और दोस्तों अगर आप इन सारे क्वेश्चन का पी डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो चलिए दोस्तों अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चार वर्ड यहां पर दिए गए हैं जिनमें से एक वर्ड का स्पेलिंग गलत है आपको वो वर्ड फाइंड करके बताना है और यह भी बताना है कि उस वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा ऑप्शन है सेपरेट ऑकर रिसीव और अकोमोडेट तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सेपरेट सेपरेट का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है सेपरेट का करेक्ट स्पेलिंग है ई -e -e, पी ए आर ए टी ई लेकिन यहां पर ई पी के बाद ई लगा दिया गया है जो कि बिल्कुल गलत है सो क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर तो दूसरा क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड विलो आपको बताना है कि जेस्ट का सिमिलर वर्ड क्या होगा तो सबसे पहले समझो कि जेस्ट का मतलब क्या होता है जेस्ट का मतलब होता है दोस्तों उत्साह किसी भी कार्य को करने के लिए अंदर से उमंग तो इसके सिमिलर वर्ड हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पैशन इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गि यहाँ पर आपको एम्बेलिस का अपोजिट वर्ड बताना है और एम्बेलिस मतलब तो अगर हम बात करें इसके अपोजिट की तो इसका अपोजिट हो जाएगा जस्ट ऑप्शन नंबर बी डिस्गर डिस्फिगर का मतलब होता है किसी भी चीज को बिगाड़ देना इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर फोर्थ क्वेश्चन का रहा है कि चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्यूट फॉर द फॉलोइंग स्ट्रीम वेल एक्सपीरियंस पर्सन इसका वन वर्ड क्या होगा दोस्तों यह जो आपका ऑलरेडी well आपके इसी साल 2022 में जब एग्जाम हुआ था एयर फोर सेक्शन का तो वहां पर पूछा जा चुका है वेटरन well यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव सेंटेंस स्प्लिट इंटू फोर बीन है

क्या रिजर्व करने के लिए मोर सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस तो आपका जो अरेंजमेंट होगा वो सबसे सब पहले टू आएगा फिर आपका फोर आएगा फिर इसके बाद आपका थ्री आएगा और फिर आपका लास्ट में वन आएगा तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पर क्वेश्चन नंबर टेन इलेवन टर्टीन एंड फोर्टीन इन चारों क्वेश्चन में आपको खाली स्थान को फिल करना है तो सबसे पहला क्वेश्चन पर क्या कह रहा है कि ऑथोरिटीज सीम टू बी डैश कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स यहाँ पर दोस्तों जो आपकी ऑथोरिटी है वो क्या हो रही है वर्कर्स के कंडीशन को लेकर तो यहाँ पर वर्कर के कंडीशन को लेकर इनसे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ है ही डैस फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग दोस्तों यहां पर आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ना तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो आपका विल वो तो लगेगा नहीं सेल को भी नहीं लेगा दोनों आपका फ्यूचर का सेंटेंस है सिर्फ गो का यूज नहीं किया जाएगा ही है तो ही के साथ में गो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डैश थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर देखिये दोस्तों यह जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एक एडियम है और यह इडीएम कंप्लीट क्या होता है यह आपका होता है देखिए ये आपका हो जाएगा अ अ जॉय थिंग ऑफ ब्यूटी अगर ज्वाइ फॉर एवर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है पूरा पूरा का सेंटेंस आपका एक एडियम फ्रेज है अगला क्वेश्चन देखिए तेरा नंबर द थंडर वाज डैश अ एडी रेन तो यहाँ पर दोस्तों वाई प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा बहुत ही भारी बारिश हो रही है और इसी के साथ बिजली कड़क रही है तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा वो यहाँ पर होगा वाई ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन है चौदह नंबर द नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट इज डिटेक्ट का नाउन फॉर्म बताना है तो यह होगा दोस्तों आपका डिटेक्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज गिवेन द सेंटेंस ही इज ग्रेटर देन मी एक सेंटेंस यहां पर दिया गया है आपको बिल्कुल सिमिलर सेंटेंस सेलेक्ट करना है जो कि ऐसा ही मीनिंग इसका दी देखिए यहां पर क्या कह रहा है ही इज ग्रेटर देन मी यानी कि वो हमसे महान है तो अगर हम सिमिलर सेंटेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही यानी कि मैं उसके जैसा महान नहीं हूं सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए फिर से क्या कह रहा है कि स्पॉट द इोनमस पार्ट इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज तीन सेंटेंस दिए गए हैं आपको बताना है कि इन सेंटेंस के किस पार्ट में इरर है पहला सेंटेंस क्या है ही मेड विथ एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल दोस्तों अगर किसी भी पार्ट में इरर नहीं है तो आप डी ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो नो इरर का तो में देखिए यहां पर आपका जो एंड यूज किया गया है ना एंड आपके साथ में जो ऑक्जरी वर्ब यूज किया गया है इसके साथ में कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आना है तो एंड के बाद में या तो इज एम आर वाज वेयर कुछ भी यूज किया जाएगा तभी सेंटेंस करेक्ट होगा यहाँ पर सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है तो तो एंड के बाद क्या आना आना चाहिए चाहिए तो वाज इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है अगर हम सेंटेंस को इस प्रकार से लिखें कि ही मेट एन एक्सीडेंट एंड वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल तब आपका सेंटेंस करेक्ट होता तो यहाँ पर आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना जरूरी है इसके बाद अगला क्वेश्चन है सत्रह नंबर ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड द डॉग फॉर आर एस फिफ्टी अब देखिए सेवेंटीन क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना कि नाउन को दो बार यूज कर लिया गया है डॉग एक यहां पर है आपका नाउन और एक डॉग कहां पर है यहां पर है आपका एक नाउन तो नाउन कभी भी दो बार लगातार यूज नहीं हो सकता एक ही सेंटेंस में यहाँ पर क्या होगा कि ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड इट फॉर आर एस फिफ्टी सेकेंड वाला जो नाउन है ना द डॉग इसे हटा करके यहाँ पर इट और फॉर का यूज आपको कर देना होता है तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अट्ठारह क्वेश्चन है बोथ मिली एज वेल एज मीना आर ब्यूटीफुल तो एटेंथ क्वेश्चन में देखिए दोस्तों वर्ड का यूज क्यों किया गया है वर्ड का यूज किया गया मिली और मीना दोनों को डिनोट करने के लिए ना तो so, जब यहाँ पर बोथ वर्ड का यूज ऑलरेडी कर लिया गया है तो फिर हमें यहाँ पर एजवेल यूज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता अगर यहाँ पर मिली एज वेल एज मीना होता तब तो आपका बिल्कुल करेक्ट होता लेकिन बोथ लगा दिया गया है तो यहाँ पर आप एजवेल एज को हटा दोगे तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है यहां पर चेंज द नरेशन ऑफ द सेंटेंस द टीचर सेड टू मी वी रेगुलर एंड लर्न योर सेन डेली यहां पर देखो टीचर क्या कर रहा है एडवाइस कर रहा है स्टूडेंट को तो यूज किया जाएगा एडवाइज का अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो केवल ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ही ऐसा है जिसमें एडवाइज वर्ड का यूज किया गया है लेकिन सी में मी के बाद टू का यूज नहीं किया गया है और बिना टू का यूज किए हम दो सेंटेंस को कनेक्ट नहीं कर सकते नरेशन में इसलिए आपका सी ऑप्शन भी हट गया केवल डी ही बचा है द टीचर मी टू बी रेगुलर एंड लर्न डेली इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सोलह सोलह क्वेश्चन देखिए क्या करा कि चेंज द वॉइस इट इज टाइम टू बाई बुक्स यहां पर आपको एक्टिव से पैसे में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों इट इज टाइम फॉर द बुक्स टू बी बाउट यानी कि चीज सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सत्रह है लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको जीके एंड जी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से तैयारी करें तो यह ई बुक दोस्तों मैंने आपके एग्जाम के लिए तैयार किया है जिसमें पिछले पांच सालों के क्वेश्चन ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए वैसे सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं जिनसे एयरफोर्स क्वेश्चन पूछता आ रहा है और 2023 के एग्जाम में भी पूछेगा इस ई बुक से ही आपको डायरेक्ट एग्जाम में 80 टू 90 परसेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे तो आप सभी लोग एग्जाम से पहले इस ई बुक को एक बार जरूर पढ़ लें इसे परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है उस पर क्लिक करके आप सभी लोग परचेज कर सकते हो या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना मेरा व्हाट्सएप नंबर है नाइन इस व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करोगे तो वहाँ पर भी मैं आप सभी के साथ ई बुक शेयर कर दूंगा चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या यहां पर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन अब आपका सेवनटीन एंड ट्वेंटी लास्ट के चार क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड हैं तो एक बार आप सभी लोग इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए फिर हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैं यहां पर थोड़ा सा इसे हटा देता हूं आप सभी लोग अगर पैसेज को तो ध्यान से पढ़ लीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन से द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी इट इज देखिए राइटर जो है ना पॉवर्टी के प्रेज को लाइक like नहीं करता इसके पीछे क्या है तो देखिए पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी यानी कि दोस्तों यहां पर जो स्टेटमेंट दिया गया है ना इसके पीछे उसका पर्सनल ओपिनियन है तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है अट्ठारह नंबर टू होम द एसेटिक लाइफ में जो एसेटिक लाइफ होते हैं ना किसके लिए सुटेबल होते हैं तो इट मे स्वीट फॉर इंडिविजुअल यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन

आपको बताना है कि इस एडसर्ट का मतलब क्या है तो एडसर्ट का मतलब होता है दोस्तों मजा किया यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सिल्ली इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा इसी के साथ दोस्तों आज आपका इंग्लिश का कंप्लीट मॉक टेस्ट समाप्त हो गया तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आज आपके टोटल कितने स्कोर रहे हैं और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें फिर से मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में तो तक के लिए जय हिंद जय भारत